हेलो दोस्तों, आज हम अध्यावरणीय तंत्र या इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। यह चॉकलेट ड्रिंक तो काफी गर्म प्रतीत हो रहा है। आप अपने अध्यावरणीय तंत्र की मदद से ही गर्म और ठंडे जैसी त्वचा की संवेदनाओं को महसूस करते हैं। अध्यावरणीय या इंटीग्यूमेंटरी आपके शरीर की बाहरी परत है जो संक्रमण, चोट, बैक्टीरिया और धूप से रक्षा करने वाले भौतिक अवरोध के रूप में कार्य करती है। इस प्रणाली के अंतर्गत त्वचा, बाल, नाखून तथा ग्रंथियां आती हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। त्वचा। आपकी त्वचा आपके शरीर का सबसे बड़ा और भारी अंग है। यह आपके कुल शरीर के वजन का लगभग 16% हिस्सा है। यह 3 परतों से बनी हुई है। बाह्य त्वचा। यह आपकी त्वचा की सबसे ऊपरी परत है जिसे आप देख और छू सकते हैं। यह त्वचा को उसका रंग प्रदान करता है तथा सुरक्षा के लिए पहला अवरोध भी बनाता है। आंतरिक त्वचा। यह आपकी त्वचा की मध्य परत है और सबसे मोटी होती है। यह त्वचा को संरचना एवं लचीलापन प्रदान करता है। आंतरिक त्वचा में तंत्रिका तंत्र, पसीने की ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां, रोमकूप तथा रक्त वाहिकाएं होती हैं। यह एरेक्टर पीली मांसपेशी है जो प्रत्येक रोमकूप और त्वचा से जुड़ी होती है। अधो त्वचा। यह आपकी त्वचा की निचली परत है जो आपके शरीर की रक्षा करती है तथा ऊर्जा को भी संग्रहित करके रखती है। आप सब्जियों का सूप बना रहे हैं, यह आपके बालों के लिए काफी अच्छा है। बाल। बाल गर्मी को संरक्षित करके आपको गर्म रखते हैं। ये आपको हानिकारक चीजों से भी बचाते हैं। बाल केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं तथा इसके 3 भाग होते हैं। प्रांतस्था। यह आपके बालों का वह हिस्सा है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और स्टाइल कर सकते हैं। रोमकूप। यह ट्यूब जैसी संरचना है जो आपके बालों की त्वचा के साथ पकड़ बनाए रखती है। जड़। यह आपकी त्वचा के नीचे स्थित होता है तथा बालों के लिए जिम्मेदार होता है। नाखून। आपके नाखून आपकी उंगलियों और सिरों की रक्षा करते हैं। नाखूनों के विभिन्न भाग इस प्रकार से हैं। आधार। यह आपके नाखून का सख्त हिस्सा होता है जिसे आप देख सकते हैं। यह ज्यादातर केराटिन नामक पदार्थ से बना होता है। नेल ब्लेड। यह आपके नाखून के आधार के नीचे गुलाबी रंग का मुलायम भाग होता है। किकल। यह आपकी उंगली या पैर की उंगली के निचले किनारे के साथ की स्पष्ट त्वचा की एक परत है। उतक। यह वह क्षेत्र है जहाँ से आपके हाथ व पैर के नाखून बढ़ना शुरू करते हैं। ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ आपकी पूरी त्वचा में पाई जाती हैं। आपके अध्यावरणीय तंत्र में 4 मुख्य ग्रंथियाँ हैं। श्वेत ग्रंथियाँ। ये ग्रंथियाँ आपकी त्वचा से पसीने का स्राव करती हैं। मोम उत्पादक ग्रंथियाँ। ये कान के मैल के लिए जिम्मेदार होती हैं। वसामय ग्रंथियाँ। ये वसा का उत्पादन करती हैं और आपके चेहरे को तैलीयता प्रदान करती हैं। स्तन ग्रंथियाँ। यह नवजात शिशु के लिए दूध स्रावित करने, संश्लेषित करने और पहुंचाने में मदद करती है। अध्यावरणीय तंत्र को स्वस्थ रखने के कई तरीके हैं, जैसे कि खूब पानी पीना, नियमित रूप से स्नान करना और ज्यादा धूप से बचना। अब आप अध्यावरणीय तंत्र या इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम के बारे में काफी कुछ जानते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।